अच्छा ठीक है, आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स के थ्रू हम टेबल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर से प्रॉम्प्ट करवाता हूँ, यूजर से इनपुट लेता हूँ कोई भी नंबर। ठीक है, और जो भी नंबर यूजर टाइप करेगा वो लूप के थ्रू हम उसका टेबल जनरेट करवाते हैं। ठीक है, किस तरह से, मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम नंबर। ठीक है, और इसमें मैं प्रॉम्प्ट करवाता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट में मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर अ नंबर। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, इसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फॉर का लूप। ठीक है, फॉर का लूप यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और फिर जाके यहाँ पे काउंटर वेरिएबल सबसे पहले दे देता हूँ आई, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेबल जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 से दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे लूप मैंने इनिशियलाइज किया है, इसको वैल्यू क्या दे दी मैंने 1। ठीक है, काउंटर वेरिएबल को। फिर उसके बाद यहाँ पे आई लेस देन एंड इक्वल टू 10, क्योंकि हमारे पास टेबल कहाँ तक चलता है, 10 तक। ठीक है, मतलब 10 के बराबर या 10 से छोटा जब तक नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसको देता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिजल्ट का वेरिएबल मैंने बनाया था, अब इसको मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से देखता हूँ, देखना नंबर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं आई के साथ। ठीक है, देखो ये कंडीशन, इस कंडीशन के ऊपर सारा हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे नंबर क्या है, जो भी यूजर टाइप करेगा। ठीक है, और आई के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो लूप इसे देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई के पास क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, 1 है ना, सबसे पहले 1 आएगी, उसके बाद पहले 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, तो ये अभी मैं कौन सा इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है, पहले प्रिंट करवाता है उसके बाद एक नंबर ऐड करता है, सही है। तो यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने नंबर टाइप किया 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, अभी क्या नंबर आया यहाँ पे, 1 आया है। ठीक है, तो 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा लूप चलेगा। ठीक है, इसके अंदर ए 1 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, तो आई के पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2, तो 2 2 जा। ठीक है, और ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसको असाइन हो जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट को असाइन हो जाएगी, सही है। अब मैं आता हूँ इसको, अब हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर अब देखना मैं रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले करवाता हूँ। सबसे पहले नंबर, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं प्लस करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस एक्स का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, सही है। फिर यहाँ पे मैं आई का वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा जब लूप चलेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ इज इक्वल टू का साइन, सही है। अब क्या करवा रहा हूँ, प्लस इज इक्वल टू का साइन, फिर दोबारा यहाँ पे प्लस, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा रिजल्ट, सही है। देखो ये काम किस तरह से करेगा, नंबर में क्या होगा, जो यूजर इनपुट देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंबल आएगा हर लूप में, जब भी लूप चलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल आया, फिर उसके बाद आए, आई के पास क्या वैल्यू है, 1, जब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसके पास वैल्यू आएगी 1। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट, मतलब यहाँ पे हम ऊपर क्या करवा रहे हैं, नंबर और 1 को क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और ये किसके पास जा रहा है, रिजल्ट के पास जा रहा है। और इन दी एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम इन दी एंड क्या करवा रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, सही है। मतलब पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे नंबर पे प्रिंट होगा फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई की जगह वन, इसका मतलब टू वन जा, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट में इन दो का जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो किसके पास सेव हो जाएगी, रिजल्ट पे, और यहाँ रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे टू वन जा टू, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, टू, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे नंबर वही रहेगा, लूप चलेगा, वन के बजाय क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो यहाँ पे टू टू जा फोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके एंड में हम एक लाइन ब्रेक लगाते हैं ताकि ये मतलब हर एक स्टेप न्यू लाइन पे शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं टेबल, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। और अब इसको मैं चलाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो नंबर मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ टू, ओके करता हूँ, तो ये देखो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। मतलब हमने लिमिट कहाँ तक दी थी, मतलब ये जो आपको ये वन टू थ्री नजर आ रहा है, ये वो है काउंटर वेरिएबल, जो एक एक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। देखो ये नंबर सेम है, ये जो हमने नंबर दिया था यूजर इनपुट में टू टू, ये सेम चलता हुआ रहा है, ठीक है। और ये जो टू फोर सिक्स एट, ये कौन से वेरिएबल में था, रिजल्ट के वेरिएबल में था। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर और आई का वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल जो भी रिजल्ट दे रहा है, वो किसके पास आ रहा है, रिजल्ट के पास आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और इस दफा मैं थ्री देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, तो देखो थ्री का टेबल चला, सही है। इसी तरह आप यहाँ पे कोई और नंबर दो, मैं फाइव देता हूँ, तो ये फाइव तक टेबल चलेगा, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई की साइन को, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार हमने इसलिए नहीं दिया ताकि, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार किस लिए यूज होता है। स्टार ये मैंने एक्स किस में दिया था, यहाँ पे अगर आप देखो ये मैंने स्ट्रिंग्स में दिया था, इसको एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। और इन सारी चीजों को देखो, कितनी चीजें, एक दो तीन चार पांच और छह लाइन ब्रेक, इन सबको मैं आपस में क्या करवा रहा हूँ, कॉनकैटिनेट करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लस का जो साइन होता है वो मर्ज करता है सारी चीजों को, सही है, क्लियर है।